पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के रिश्ते छिपाने समेत 34 आरोपों में दोषी करार देने से पहले अदालत ने 6 हफ्ते में 22 गवाहों को सुना। इनमें स्टॉर्मी डेनियल्स भी शामिल थी। 12 सदस्यों की ज्यूरी ने यह घोषणा की। अब ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। इस केस के सरकारी वकील एल्विन ब्रैक की साख दांव पर लगी थी। कुछ लोग इसे जॉम्बी यानी मरा हुआ केस मान रहे थे। फैसला आने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि ब्रैक ने वाकई अपनी दलीलों से मरा हुआ केस जिंदा कर दिया। केस को नतीजे तक पहुंचाकर एल्विन ने अमेरिकी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो पहले सरकारी वकील हैं जिनकी दलीलों से कोई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति दोषी साबित हुआ है। सुनवाई के बाद ब्रैक ने कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया। फैसला आने के बाद रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अमेरिकी इतिहास में बेहद शर्मनाक है।